मुल्क में कोरोना एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा, मुस्बत शरह 4% से मुतजावज। गुज़श्ता 24 घंटों में 4.47% केसेस मुस्बत आए। 818 अफराद में वायरस की तशखीस, 4 अफराद इंतकाल भी कर गए। कराची में कोरोना की शरह 17.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 5.6%, इस्लामाबाद में 4.5%, मुजफ्फराबाद में 6% रही। कोरोना के केसेस बढ़ने पर एनसीओसी अलर्ट, सरकारी दफातर और इबादतगाहों के लिए भी एसओपीज जारी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार, समाजी फासले और वैक्सीनेशन की शरायत पर भी अमल दरामद की हिदायत। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक सरकारी इमारतों और दफातर में वैक्सीनेटेड अफराद को ही दाखिले की इजाज़त होगी। दफातर में आने वाले हाथ मिलाने से गुरेज करें, हाथ बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। मवेशी मंडियों में दाखिले के लिए भी मास्क और वैक्सीनेशन की पाबंदी सख्त कर दी गई। पुलिस दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची ले आई, सख्त सिक्योरिटी में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश। मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए दुआ की उम्र का तहीन किया जाने लगा। दुआ ज़हरा का शौहर ज़हीर भी कराची आ गया। कराची की सेशन कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिद की तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज शाम से शहर अकात में बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कल और पीर को तेज बारिश मुतवक्के, इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर को बादलों ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा मौसमियात ने मशवरा दिया कि कराची वाले काम काज जल्दी निपटा कर घर की राह लें। मशरकी पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का आगाज हो गया। मूसलाधार बारिशों के बायस सिंध और बलूचिस्तान में नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। तहरीक इंसाफ आज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसा करेगी। लोगों, चोरों को रिलीफ, आवाम को तकलीफ रखा गया। जलसे के लिए पिंडाह में तैयारियां मुकम्मल, रात गए जलसा गाह में खूब रौनक रही। इमरान खान ने भी जलसा गाह का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। इमरान खान आज रावलपिंडी से रैली की क़यादत करते हुए परेड ग्राउंड पहुँचेंगे। दीगर शहरों से भी रैलियाँ जलसा गाह पहुँचेंगे। जो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, क्या पाकिस्तान उनका नहीं? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल सा नुकसान नहीं होगा? कौन सी कयामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सवालात, कहा हमें बताया गया कि हमारी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की अहल नहीं। दो माह में महंगाई बढ़ी, लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ, सबको खौफ है मईशत श्रीलंका जैसी होने जा रही है। शेख रशीद का रावलपिंडी में इमरान खान मुखालिफ बैनर्स लगाने का इल्ज़ाम, कहते हैं बैनर्स लगाने वाले 3 अफराद को पकड़कर सादिकाबाद पुलिस के हवाले किया। इंतजामिया और गुंडे नून लीग से मिले हुए हैं, ये लोग 40 साल से सियासत कर रहे हैं, शहर के अमन का सोचे समझे मंसूबे के तहत खराब किया जा रहा। कराची में बिजली का बहरान संगीन, लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। हर एक घंटे बाद 2 घंटे के लिए बिजली की बंदिश से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बन गई। लोड शेडिंग का दौरान यह 15 घंटे तक पहुंच गया। मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, ड्रग रोड में तवील लोड शेडिंग, गुलशन इकबाल, जोहर मोड़, आयशा मंजिल, सोहराब गोट, लियाकताबाद में शहरी बिजली ना होने से परेशान हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 21% से तजावज कर गई। इदारा शुमारियात ने अशिया की कीमतों के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 100% और बिजली के चार्जेस 35% बढ़े। दाल मूंग 15%, चीनी 10 और गुड़ 1% सस्ता हुआ। शहरों में शरह 19% और देही इलाकों में महंगाई 24% तक बढ़ी। प्याज 175% और टमाटर की कीमत में 149% इजाफा हुआ।
लाहौर में सीनियर सहाफी और कॉलम निगार अयाज अमीर पर हमले का मुकदमा 6 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मेडिकल रिपोर्ट में अयाज अमीर पर तशद्दुद साबित, चेहरे पर वाज़े निशानात मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब को मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। सदर आरिफ अलवी, चेयरमैन PTI इमरान खान, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की भी अयाज अमीर पर हमले की मजम्मत। बलोचिस्तान के 8 अज़ला में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले की रीपोलिंग, वोटिंग का अमल जारी। दुक्की, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, लोरालाई, पंजगोर, सिब्बी, नोशकी, केच के 13 वार्ड्स के 15 पोलिंग स्टेशंस में रीपोलिंग हो रही। अद्विया साज कंपनीज को खाम माल की फराहमी का मसला हल ना होने के बाइस मुल्क में अद्वियात का बहरान। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और कैंसर के मरीजों की अद्वियात स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। मरीज और लवाहिकीन शदीद परेशान। कायदे आज़म सोना पावर कंपनी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकात के लिए तमाम अफराद को नोटिसेस इरसाल। 5 जुलाई को एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए में पेश होने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला के 6 देहात में सोलर एनर्जी फराहम करने के मनसूबे से मुतालिक तहकीकात का आगाज। 2 बरस बाद गैर मुल्की मुसलमानों को हज की इजाज़त। खाना काबा की रौनकें बढ़ने लगीं। दुनिया भर से मुसलमानों की हज की अदायगी के लिए आमद। 10 लाख मुसलमान हज अदा करेंगे। सऊदी अरब की हुकूमत ने 18 से 65 साल के मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद को हज अदा करने की इजाज़त दे दी। यूरोजोन के 19 ममालिक में महंगाई की शरह 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूरोपीय यूनियन के महकमा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 8.6% रिकॉर्ड। कोरोना और यूक्रेन रूस जंग महंगाई की बड़ी वजह करार। महंगाई की रोकथाम के लिए शरह सूद में इजाफा करने का फैसला। मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। सिंधी नस्ल के बकरों की खूब धूम मची है। बकरों के नाज नखरे सबसे अलग। मालिक ने एक बकरे की कीमत 1.5 लाख रुपए रखी है। उधर कराची की मवेशी मंडी में सरगोदा का रिहायशी नौजवान अपने 33 खूबसूरत दुम्बे लेकर पहुंच गया। रूस के स्टार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खबीब नर्मागोमेदोव के नाम एक और एहसास। खबीब नर्मागोमेदोव को UFC हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया। खबीब नर्मागोमेदोव ने करियर में 29 फाइट्स लड़ी और तमाम में कामयाबी हासिल की। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन टेनिस के 4th राउंड में जगह बना ली। जोकोविच ने 3rd राउंड में अपने हमवतन मियोमेकर केमनोकोविच को स्ट्रेट सेट से हराया।